हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन असिस्टेंट। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, अगर आप भी आधार सेंटर लेना चाहते हैं या फिर इसके ऑपरेटर या सुपरवाइजर बनके काम करना चाहते हैं तो आपको आधार के सर्टिफिकेशन पेज पे आना होता है और यहाँ पे आपको खुद से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक एडमिट कार्ड इशू होता है जिसके द्वारा आप अपने नज़दीकी सिटी में या फिर जो भी एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ करते हैं वहाँ पे आपको एग्ज़ाम जाके देना होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि सर्टिफिकेट का जो सैंपल है यहाँ पे दिया गया है, कुछ इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट इशू होता है जिस पे आपका फ़ोटो भी रहता है और आपका सर्टिफिकेट नंबर रहता है, एग्ज़ाम का लेवल रहता है कि आपने ऑपरेटर लेवल या फिर सुपरवाइज़र लेवल पे एग्ज़ाम क्लियर किया है। दोस्तों, इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको होम पेज पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, लॉगिन करने के लिए आपको क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे एक XML फाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा जो कि ऑफलाइन EKYC के लिए होता है। ये फाइल आपको कहाँ से मिलेगी? आपको सभी वेबसाइट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपने आना है myaadhar.uidai.gov.in पे। अब यहाँ पे आपको लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, इस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पे आप अपने आधार नंबर को एंटर करने के बाद कैप्चा को एंटर करके लॉगिन हो सकते हैं। इसके लिए आपको सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। OTP डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आधार कार्ड के माई आधार वाले सेंक्शन के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑफलाइन EKYC, इस पे आप क्लिक करें। इस पेज पे आने के बाद आपको 4 डिजिट का एक कोड क्रिएट कर लेना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है। देखिए, हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब फिर रजिस्ट्रेशन पेज पे आना है और अपलोड XML फाइल पे आपको क्लिक करना है और उस जो डाउनलोड फाइल है उसको यहाँ पे आपको चूज करके अपलोड कर देना है। XML फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज मिलेगा। यहाँ पे आपने 4 डिजिट का जो कोड क्रिएट किया उसको यहाँ पे डालना है और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। डेटा एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली का आपको यहाँ ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पे आपने अपने आधार के अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर इनपुट करना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। मोबाइल वैलिडेट हो चुका है। सेंड मोबाइल नंबर OTP पे आप क्लिक करें। अब यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि OTP सक्सेसफुली आपके नंबर पे भेजा गया है। आपके मोबाइल नंबर पे NSEIT से एक OTP प्राप्त होगा जिसको आपको यहाँ पे इनपुट करना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन को आपको एक्सेप्ट करना होगा और यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी एंटर करना होगा। ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको दर्ज करने के बाद शो XML कंटेंट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी और आपका फ़ोटो भी दिखाई देगा, उसको आप कन्फर्म पे क्लिक करें। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जाता है और दिया जाता है कि आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप फिर से होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपका जो लॉगिन आईडी आपको मैसेज में भी प्राप्त होता है और आपको स्क्रीन पे जो लॉगिन आईडी दिखाया जाता है वो भी आप यहाँ पे दर्ज वही आप यहाँ पे दर्ज करेंगे और साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन करने पे आपको यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड फिर से डालना होगा और आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पे बना लेना होगा। इससे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ेगा और जिसका आंसर आपको नीचे में टाइप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं अपना फेवरेट कलर दे देता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देगा कि आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्म देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे अग्री करना होगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लेवल ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। चाइल्ड ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आप ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एग्ज़ाम का लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे,
उसके बाद एनरोलमेंट एजेंसी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी कंपनी के साथ, जिस भी एनरोलमेंट एजेंसी के साथ काम करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एनरोलमेंट एजेंसी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीफर्ड टेस्ट स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देने हैं, तीन, पहले ऑप्शन में आपको स्टेट और दूसरे में आपको जिला सेलेक्ट करना है और थर्ड में आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। और इसके करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप सेव एंड कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे देगी। प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरी तरह से सबमिट हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, पेमेंट में जाना है। पेमेंट में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे सेलेक्ट करना है और प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 470 रुपये का आपको यहाँ पे फी पेड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप भीम UPI ID से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको अपना UPI ID डालना है और पे नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। आप चाहे तो यहाँ पे UPI QR कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे UPI ID का कोड दिखाया जाएगा, आप इसको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप मॉक एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स के लिए जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि आप कितने नंबर ला पा रहे हैं। इस तरीके से खुल जाएगा। स्टार्ट दी टेस्ट पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे एग्ज़ाम्स के रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और एक मॉक एग्ज़ाम देकर देख सकते हैं कि आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको जब आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो यहाँ पे माई स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक और टैब आपको दिखाई देगा जिसमें आप एग्ज़ाम्स के लिए सीट बुक कर सकते हैं। उसको बुक करने के लिए पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स के लिए सीट बुक करने का ऑप्शन दिखाई दे देगा। जिस भी डेट में सीट खाली होगा उस डेट में आप जाके एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर आप सेक्शन में ECM कम ऑपरेटर आपने सेलेक्ट किया था उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर जो है वो दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे। इसके लिए भी वेबसाइट का लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमने जो पोस्ट भरा है सुपरवाइजर ऑपरेटर का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपडेटेड क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगली, गुजराती, मलयालम, इन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप संबंधित पे क्लिक करके उस क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है दोस्तों। आप थोड़ा सा मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। एक बार आपको सर्टिफिकेट इशू हो गया तो आप अपने संबंधित रजिस्ट्रार को दे के अपने आधार के लिए क्रेडेंशियल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।